सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग कर एडिटिंग कर रहा था। वैसे आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कोई तस्वीर नहीं है बल्कि गिटार है, क्योंकि मुझे ना अब म्यूजिशियन बनना है। जल्दी मैं अपना गाना भी लॉन्च करने वाला हूँ। क्या ज्यादा हो गया ना? चलो अब सच्चाई बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हो ना। आपसे क्या छुपाना, माय यूट्यूब फैमिली। तो सच्चाई ये है कि कल मैं डाकू सासा के साथ गया था डाका डालने, और मुझे कुछ चीजें पसंद आ गई, ये गिटार मास्टरपीस, तो मैंने सुड़ा लिया। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यार मैं क्रिमिनल हूँ, मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है चोरी करना। और मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको इसमें से कुछ पसंद हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको गिव अवे कर दूंगा। देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। बाकी अभी मम्मी ने लहसुन के परोठे बना दिए हैं और भूख भी लगी है, तो सड़ो सड़ते हैं। तो गाइस, अभी मैं मस्त लहसुन के परोठे खा के आ चुका हूँ, मजा आ गया। और आप लोग फियरलेस भाई को बोलते हो ना कि रेड क्रिमिनल के पास कोई पावर नहीं है, उसे कुछ पावर दे दो, तो आपकी बात उन्होंने सुन ली है। वो खतरनाक सुपर हीरो वाली सीरीज लाने वाले हैं हमारी सेकंड चैनल पे, और उसका हीरो मैं होऊंगा, सबसे ताकतवर। तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जाके, जल्द ही वो सीरीज आएगी। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट में बता देना। अरे सुन क्रिमिनल, तू मार्केट में जाने वाला है क्या? हाँ ताऊ जी, जाने वाला हूँ, बताइए। बेटा मैंने मेरी कार मॉडिफाई करवाने दी थी मंगलू के वहाँ, लेके आना। हाँ ताऊ जी, ले आऊंगा, चिंता मत करो। हाँ क्रिमिनल, मेरी भी कुछ जरूरी चीजें ले आनी है, मैं तुझे लिस्ट दे दूंगा, ले आना मार्केट से। बेटा बीमल भी ले आना। हाँ सब ले आऊंगा, और कुछ हो तो वो भी बता दो। अरे क्रिमिनल बेटा मार्केट जा रहा है ना, मुझे भी घर का सामान मंगवाना है, ले आना। हाँ ठीक है मम्मी, लिस्ट दे दो, वरना कुछ भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बेटा ये रही लिस्ट, सारी चीजें ले आना। गाइस तो अभी घर वालों ने मुझे 200 पेज का लिस्ट दे दिया है, मुझे मार्केट में सामान लेने जाना पड़ेगा। वैसे गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा, एक व्लॉगर क्या खरीदता है, वो खरीदता है सुपर कार, सुपर बाइक, महंगे कपड़े, महंगे जूते। और मैं क्या खरीद रहा हूँ, ग्रोसरी, सब्जी, बीमार। मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही काम देते हैं, मेरी रेप्यूटेशन कम करवाने में लगे हैं ये लोग। जा रहा है या कुकर फेंक के मारू मुंह पे? हाँ जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मार्केट में चीजें लेने जाना है, और ताऊ जी की कार भी, तो सड़ो सड़ते हैं। अरे मंगलू भाई, वो ताऊ जी की कार तैयार हो गई क्या? पर एक सेकंड, ये क्या आप पतलूंग पहनना भूल गए? अरे नहीं नहीं मोटा भाई, आप भी ना, वो ताऊ जी की कार मॉडिफाई करने में पतलून फट गई। अरे क्या बात है मंगलू भाई, एकदम ओपी मॉडिफाई की है आपने तो। हाँ पर मोटा भाई थोड़ा धीरे चलाना हो। अरे नहीं नहीं, अगर मैं इस कार को धीरे चलाऊंगा तो मंगलू भाई ये कार बुरा मान जाएगी। चलो मैं चलता हूँ, आप इसके पैसे ताऊ जी के पास से रे रहना। ठीक है मोटा भाई, कोई वांदो नहीं वो। तो गाइस मैंने ताऊ जी की कार ले ली है, और अब मुझे जाना है मार्केट में चीजें खरीदने। पर एक दिक्कत हो गई है यार, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया, तो पैसे ही नहीं है। तो अब मुझे ना कुछ पैसे सुराने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ, इस पेट्रोल पंप पे जाके कुछ जुगाड़ करता हूँ। बोलिए सर, कितने का पेट्रोल डालू? अबे अकल के अंडे, ये डीजल कार है, 20 रुपए का डीजल डाल। एक मिनट सर, अभी डाल देता हूँ, पर पहले सूसू करके आता हूँ, बहुत जोर से आई है। अरे इसके पास तो बैग में बहुत सारे पैसे हैं, और उससे मेरी सारी घर की चीजें आ जाएगी। एक काम करता हूँ, इसका बैग सुड़ा लेता हूँ, आसपास कोई दिख नहीं रहा। वाह मजा आ गया, अब कुछ अच्छा लग रहा है। सॉरी हाँ दोस्त, मुझे करना पड़ा, मेरी भी मजबूरी है, घर का सामान भी तो लाना था। आइए आइए सर, बताइए क्या चाहिए? अरे मुझे ना कुछ सामान चाहिए आपकी दुकान से, आपको लिस्ट देता हूँ, वो सारी चीजें मुझे निकाल के दो। अरे सर यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, आपको खुद ही आपका सामान लेना पड़ेगा, बाहर बोर्ड भी मारा है। अरे अगर पढ़ना लिखना आता तो पायलट नहीं बन जाता मैं, फिर पायलट ब्लॉगिंग करता गोबड़ो भाई की तरह। वो जो भी हो सर, मैंने बताया ना सेल्फ सर्विस है, आपके पीछे सारा सामान है, खुद
दूध ले लीजिए। ठीक है सरो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ओए 10 मिनट बाद। ओए भैया, मुझे जितना सामान चाहिए था वो मैंने बाहर रख दिया है, अब मुझे बिल दे दीजिए। ठीक है सर, आपके हुए 2 लाख रुपए। अरे इतना सस्ता? कोई ना सरो, मैं 2.5 लाख दूंगा, ये लो ले लो। अरे सर सॉरी, ये 20 की नोट तो कल रात को ही बंद हो चुकी है, सिर्फ पेट्रोल पंप वाले ही चलाते हैं इसको। अरे यार ये क्या बात हुई, मैंने खामखा ही उस पेट्रोल पंप वाले को उड़ा दिया। मेरा मतलब है ऐसे कैसे बंद हो गई यार, मुझे पूछना तो सही था ना। नहीं सर, आपके पास और कोई नोट हो तो दीजिए, वरना सारा सामान वापस रख दीजिए, आप नहीं ले जा सकते। ऐसे कैसे दे दूँ, पूरी 10 मिनट मेहनत करके मैंने सामान निकाला है। अरे तेरे को बोला ना सीधी तरीके से दे दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। सारा दुकान के डंपर इतना उछड़ रहा था, अब ना रहेगी दुकान ना वो उछड़ेगा। तो गाइस फाइनली मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है, मम्मी का सामान, आदम सासा का सामान, ताऊजी की कार ले ली है, अब मैं जा रहा हूँ घर पे। अरे गाइस मैं तो आपसे बात करते करते खतरनाक एरिया में आ गया, ये तो दीनो भाई का एरिया है। पर कोई ना, हमें क्या फर्क पड़ता है किसी का भी एरिया हो। अबे नूबड़ी वाले, तुम्हें पता नहीं का ये हमारा एरिया है, यहाँ क्यों घुसाया? रुको अभी उतर के बताता हूँ क्यों घुसाया तुम्हारे एरिया में। साले मैं क्रिमिनल हूँ, कहीं भी घुस सकता हूँ, समझा? अरे ये तूने गलत किया लाल टट्टी, तुझे पता नहीं तूने किस पे हाथ उठाया है? अरे पता है मुझे, तुझ पे हाथ उठाया है, डायनोसोर पे। तो क्या हो गया? अरे बाप रे, ये क्या, इसकी तो पूरी गैंग आ गई। रे नूबड़े, तन्ने पता ना से यो हमारा एरिया से, और यहाँ आके तू हमारे भाई पे हाथ उठाता से। हाँ भैया, इसने हमका घूसा मारा, वो भी पेट में। साले अब हम तुमका बहुत मारेंगे। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, माफ कर दे मुझे, दोस्ती यारी में तो मार पीट चलती है। हैं साले, तू हमारा दोस्त नहीं है, और एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ, ये कार मुझे दे दे तब जाने दूंगा। अरे दीनो ये मेरी कार नहीं है, अगर मेरी होती तो दे देता, सॉरी। तो सॉरी, अब मुझे भी तुझे मारना पड़ेगा। भाई लोग टूट पड़ो इस पे। अरे राक्षस कहीं को एक ही तो घूसा मारा था मैंने, उसके बदले इतनी सारी लाठ कौन मारता है? रे भाई यो तो कुछ ना से, अभी तो तुझे मार मार के थारी चटनी बना देंगे। अरे बसाओ बसाओ, मुझे कोई इन डायनोसोर से बसाओ। अरे कोई बचाने नहीं आएगा तुझे, मारो भाई लोग साले को और मारो। सही कहा जी, हमसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। बाबू मोसाई डायनोसोर, ये मत भूलो अभी हम जिंदा है, ये लो हमारा गोला खाओ। रे भागो सब लोग, यो तो टॉयलेट में आ गयो। अरे मेरे भाई तू, मुझे पता था तू मुझे बसाने जरूर आएगा। क्रिमिनल मैं क्या बोल रहा था, मैंने तुमका माफ किया है, मैं जाता हूँ। पर मैंने तुझे माफ नहीं किया, मैं तेरी तरह अच्छा आदमी नहीं हूँ ना, तुझे ये कार चाहिए थी ना, जा लेकर जा। अरे अरे क्या हो रहा है भैया, कोई हमका बचाओ कोई है? बाकी गाइस हम लोग ना कल वो डेकोड़ भाई की पार्टी में गए थे, वहाँ ना उनका Q&A हुआ था और बहुत सारे क्रिएटर्स भी आए थे, तो वो वीडियो की लिंक कमेंट में है, देख लेना मजा आएगा। तो गाइस दिनों ने मुझे पकड़ लिया था और हिप्पू मुझे बसा के घर पे ला चुका है, और मेरी एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं